हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ का पार्ट टू, जहाँ पर मैंने बहुत सारी बातों को पिछले क्लास में बताया था, उसी के आगे आज हम इस क्लास को शुरू करेंगे और ढेर सारी बातों को आज यहाँ पर जानेंगे। जैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कौन कौन सी कार्यनीतियाँ लगाई गई, कौन कौन सी स्ट्रेटर्जीज अपनाई गई लोगों को अवेयर करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए। फिर उसके बाद कौन कौन सी सफलपूर्वक प्रत्यारोपण किए गए, यानी कि सक्सेसफुली इम्प्लांटेशन कौन कौन से हुए रिप्रोडक्टिव के हेल्थ में। फिर उसके बाद एमनियोसेंटोसिस, यानी कि हम उल्बेधन के बारे में जानेंगे कि उल्बेधन क्या होता है, क्यों किया जाता है और किसके लिए ये किया जाता है, इसके बारे में। चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी बातें पिछली क्लास की आपको बता दें तो क्या होगी। देखिए, सबसे पहले अगर हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ को शुरू किया था तो मैंने देखा था डेफिनेशन, यानी कि परिभाषा को देखा था। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का परिभाषा मैंने क्या बताया था कि जो आपका जनन स्वास्थ्य होता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता है, वो केवल स्वस्थ जनन और स्वस्थ जनन स्वास्थ्य से जो संबंध होता है। हाँ, जनन स्वास्थ्य का मैंने परिभाषा आपको बताया था कि जो जनन स्वास्थ्य का मतलब होता है वह स्वस्थ जनन अंग और स्वस्थ जनन से ही नहीं है। इसके अलावा अगर हम WHO की बात कर रहे हैं तो WHO कहता है कि कोई इंसान तब जनरक रूप से स्वस्थ हो सकता है जब वह सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से और जननिक रूप से स्वस्थ हो, तब वह इंसान जनन स्वास्थ्य के कैटेगरी में आता है। देन उसके बाद मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट लगाए गए थे, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैंने आपको एक बताया कि पूरे विश्व की अगर हम बात करते हैं तो भारत ही एक पहला ऐसा देश है जिसने रिप्रोडक्टिव हेल्थ को एक लक्ष्य के रूप में प्राप्त किया, जनन स्वास्थ्य को एक लक्ष्य के रूप में प्राप्त किया और उसके संबंधित उन्होंने एक कार्यक्रम, एक प्रोग्राम को स्टार्ट किया जिसका नाम है परिवार नियोजन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फैमिली प्लानिंग। टाइम था 1951 और आज के डेट में इस कार्यक्रम को जाना जाता है रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, यानी कि जनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसी चीजों को मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में और आज की इस क्लास में उसी चीजों को मैं आगे ले चलूंगा, यानी कि RCH में कौन कौन सी स्ट्रेटर्जीज लगाई गई, या फिर हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ की स्ट्रेटर्जीज ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। स्ट्रेटर्जीज ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यानी कि हम बात कर रहे हैं जनन स्वास्थ्य की कार्यनीति, जनन स्वास्थ्य की कार्यनीति। ठीक है, जनन स्वास्थ्य की कार्यनीतियां क्या क्या हैं? देखो, कार्यनीति में सबसे पहले बताया गया लोगों को एजुकेट करना, लोगों को शिक्षित करना, ठीक है। एजुकेट पीपुल, ठीक है, लोगों को क्या करना पड़ेगा, शिक्षित करना पड़ेगा। कैसे लोगों को शिक्षित करना पड़ेगा, किन लोगों को शिक्षा की जरूरत होगी और किसके बारे में शिक्षित करना पड़ेगा, इन सभी बातों की हम बात करें। तो सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं तो यहां पर क्या है कि हम बात करेंगे पीपुल विच आर फर्टाइल, यानी कि लोग जो जनन के योग्य हो गए, लोग जो शादीशुदा हैं, लोग जो शादी के योग्य हो गए हैं, उनको शिक्षित करना होगा जनन स्वास्थ्य के बारे में। जो जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं उनके बारे में, प्रेगनेंसी के दौरान एक महिला का कैसे देखभाल किया जाए उसके बारे में, प्रेगनेंसी खत्म होने के बाद, बच्चा पैदा होने के बाद बच्चे और माँ का कैसे देखभाल किया जाए, इसके बारे में लोगों को एजुकेट करना ही RCH का मेन काम था, मेन महत्व था, ठीक है। आगे देखते हैं तो क्या लिखेंगे हम, पीपुल
लिखेंगे इसमें स्ट्रेटजी में पीपुल स्पेशली हु इनफर्टाइल या फिर कह सकते हैं पीपुल स्पेशली फर्टाइल कपल फर्टाइल कपल एंड मैरिजेबल इज ठीक है मैरिजेबल इज ग्रुप एजुकेटेड ठीक है शुड बी एजुकेटेड शुड बी educated about should be educated about यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा जो शादीशुदा लोग हैं शादीशुदा लोग या जोड़े और शादी योग्य लोगों को शिक्षित किया जाना चाहिए चाहिए शादीशुदा लोगों को और शादी योग्य लोगों को शिक्षित किया जाना चाहिए किस रूप से या किसके बारे में जानकारी देनी चाहिए तो अब अगर हम बात कर रहे हैं तो यहां पर जो जानकारी देनी चाहिए ठीक है किसके बारे में अवेलेबल अवेलेबल ठीक है अवेलेबल बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस अवेलेबल बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं जन्म नियंत्रण के लिए जो आपके ऑप्शंस हैं विकल्प हैं उसके बारे में सीधी सी बात अगर हम एक बात कहें तो यहां पर कंट्रासेप्टिव कंट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में यानी कि गर्भ निरोध के बारे में गर्भ निरोध के बारे में लोगों को क्या करना चाहिए शिक्षित करना चाहिए दूसरा केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर यानी कि गर्भावस्था में जो मां पल रही है उसकी ठीक है तो केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं तो गर्भवती मां की देखभाल करनी चाहिए गर्भवती मां का देखभाल करना चाहिए अगले पॉइंट की बात करें तो अगला क्या है अगली चीजें किसके बारे में बताना चाहिए तो अगला पोस्ट केयर ऑफ सॉरी पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर एंड फीटस यानी कि उस मां और बच्चे का ध्यान रखना चाहिए जो प्रेगनेंसी से बाहर है ठीक है तो हम कहेंगे पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर एंड फीटस यानी कि हम बात कर रहे हैं गर्भ के बाद बच्चे व मां का देखभाल ठीक है गर्भ के बाद बच्चे और मां के देखभाल के बारे में दूसरा इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि स्तनपान का क्या लाभ होगा जो बच्चा होता है पैदा होने के बाद उसको 6 महीने तक मां का दूध पिलाया जाना चाहिए उस मां के 6 महीने दूध पिलाने से क्या लाभ होगा उस चीज को भी लोगों को बताना चाहिए जो शादीशुदा हैं या जो शादी के योग्य हो गए हैं उनको यानी कि हम बात कर रहे हैं तो अगले पॉइंट में बताना क्या चाहिए इंपॉर्टेंस इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग
ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि स्तनपान के लाभ के बारे में, स्तनपान के लाभ के बारे में, ठीक है, स्तनपान के लाभ के बारे में भी क्या करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि इससे क्या लाभ होगी। मैं आपको एक लाभ बता दूं स्तनपान का, जब कोई प्रेग्नेंट लेडी आफ्टर बेबी बर्थ के बाद, यानी कि कोई गर्भवती महिला है और बच्चा पैदा हो गया, तो उसके बाद कोई महिला अपने बच्चे को अगर 6 महीने तक दूध पिलाती है तो उसका पीरियड नहीं आएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगा। तो इससे सबसे बड़ी फायदा ये है कि वो बहुत जल्द प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी, जब भी होगी 6 महीने के बाद होगी, ठीक है। उसके बाद इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर मेल और फीमेल, ठीक है, चाइल्ड, यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं दोनों, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, दोनों के लिए समान अवस्था में अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर हम बात कर रहे हैं क्या हो जाएगा, इक्वल इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर बोथ मेल एंड फीमेल चाइल्ड, ठीक है, दोनों नर लड़का या लड़की, लड़का या लड़की दोनों को समान अवसर देना, ठीक है, दोनों को समान अवसर देना। भाई आज के जमाने में अगर हम बात कर रहे हैं, जो काम लड़के कर रहे हैं उससे भी कहीं बढ़ करके और उससे भी कहीं ज्यादा लड़कियां कर रही हैं, चाहे वो शिक्षा जगत हो, चाहे वो जहाज उड़ाना हो, चाहे वो एयरक्राफ्ट उड़ाना हो, चाहे वो पानी की जहाज चलाना हो, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो पुलिस हो, सभी जगहों पर अगर हम बात करते हैं जो लड़कियां हैं वो अव्वल दर्जे पर हैं, पहले नंबर पर हैं, ठीक है। तो उनको भी क्या सोचना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी, समान अवसर देना चाहिए ताकि वो भी आगे लड़ सके, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सोशल एबीज, जो सामाजिक बुराइयां हैं, जैसे सेक्स अब्यूज और सेक्स रिलेटेड क्राइम के बारे में लोगों को बताना चाहिए, ताकि उन लोगों को अच्छे से पता चल सके जो शादीशुदा हैं और बच्चे पैदा करने वाले हैं, उन लोगों को अच्छे से पता चल सके जो शादी के योग्य हैं, ये क्या होती है, जो चीज़ें हमने यहाँ पर लिखवाया कि अवेलेबल ऑफ बर्थ कंट्रोल यानी कि गर्भ निरोध के बारे में, जो जो युक्तियाँ उत्पन्न हैं उनके बारे में, केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर, पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर एंड फीटस के बारे में, इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में, और इक्वल अपॉर्चुनिटी बोथ मेल एंड फीमेल चाइल्ड के बारे में लोगों को बताना चाहिए, क्या इससे फ़ायदा होगा, ठीक है। तो आप समझदार हैं, इन सभी चीज़ों को समझ सकते हैं और आप फटाक से इसको नोट कर लीजिए, ताकि हम आगे हम बात करते हैं इन सभी चीज़ों को जानकारी देने के लिए कौन कौन से सक्सेसफुली इम्प्लांटेशन लगाए गए, सफलपूर्वक प्रत्यारोपण कौन कौन से किए गए उसके बारे में। चलिए नोट कीजिए फटाक से इस पॉइंट को, फिर चलते हैं आगे की ओर। चलिए हम बात कर रहे हैं सक्सेसफुली इम्प्लांटेशन के बारे में, सक्सेसफुली इम्प्लांटेशन के बारे में, इम्प्लांटेशन है इम्प्लीमेंटेशन, सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेशन यानी कि सफल पूर्वक प्रत्यारोपण के बारे में हम बात कर रहे हैं। सफलतापूर्वक प्रत्यारोपण कौन कौन से हैं, जैसे कि हम बात कर रहे हैं जो सफलपूर्वक प्रत्यारोपण है वो कौन कौन से हैं, क्या होने चाहिए इसमें,
उन सभी चीजों की बात कर रहे हैं, किन चीजों की आवश्यकता होनी चाहिए और वहां पर कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए इनके बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो यहां पर तीन चीजें ध्यान देनी चाहिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज होनी चाहिए, यानी कि बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं जो सक्सेसफुली इम्प्लांटेशन है उसमें क्या चीजें होनी चाहिए, तो इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, यानी कि बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए। दूसरी हम बात कर रहे हैं तो प्रोफेशनल एक्सपर्टीज होने चाहिए, यानी कि जो काम कर रहे हैं ना उसमें एकदम से माहिर होने चाहिए, एकदम से एक्सपर्ट होने चाहिए, यानी कि हम व्यावसायिक दक्षता की बात कर रहे हैं वो होने चाहिए। दूसरे नंबर पर प्रोफेशनल एक्सपर्टीज, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज होना चाहिए, यानी कि व्यावसायिक दक्षता। दूसरी बात अगर हम बात कर रहे हैं तो यहां पर होना चाहिए मैटेरियल सपोर्ट होना चाहिए या मेडिकल सपोर्ट होना चाहिए। क्या लिखा जी, मटेरियल सपोर्ट का मतलब हम बात कर रहे हैं सामग्री सहज होनी चाहिए, ठीक। इन सभी चीजों का ध्यान देना चाहिए। अब अगर हम बात करें इन सभी चीजों में क्या होता है, दीज आर इसेंशियल टू प्रोवाइड मेडिकल असिस्टेंस एंड केयर द पीपुल इन द रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स लाइक, यानी कि अगर इन सभी चीजें हैं, ये तीनों चीजें हैं आपके पास, बुनियादी ढांचा यानी कि फैसिलिटीज, यानी कि आपके पास एक बढ़िया हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल के पास एक बढ़िया डॉक्टर है और उस डॉक्टर के पास एक बहुत ही बढ़िया मटेरियल सपोर्ट है, अच्छी किस्म की दवाइयाँ हैं, तो वो डॉक्टर क्या कर सकता है, इस सभी फैसिलिटीज के कारण ये जो होता है प्रोवाइड कर पाता है एक बेहतरीन मेडिकल फैसिलिटी, एक बेहतरीन मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड कर पाता है लोगों की देखभाल करने के लिए जो जनन योग्य हैं या जनन से संबंधित किसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं दीज फैसिलिटीज, या हम कह सकते हैं दीज आर इसेंशियल टू प्रोवाइड द मेडिकल असिस्टेंस एंड केयर ऑफ द पीपुल इन रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम, यानी कि हम बात कर रहे हैं दीज आर इसेंशियल, दीज आर इसेंशियल टू प्रोवाइड, दीज आर इसेंशियल टू प्रोवाइड मेडिकल फैसिलिटी या मेडिकल असिस्टेंस, मेडिकल असिस्टेंट टू द पीपुल पीपुल इन रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम, ठीक है, रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम, यानी कि ये सभी चीजें, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये सभी चीजें आवश्यक हैं लोगों को जनन संबंधी समस्याओं को या समस्याओं से दूर करने के लिए। समस्याओं से दूर करने के लिए
अब अगर हम बात करें जनन संबंधी समस्याएं क्या क्या हो सकती है, कौन कौन से समस्याओं से जूझना पड़ सकता है, तो पहली समस्या होगी प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी यानी कि हम बात कर रहे हैं गर्भधारण। आज की डेट में अगर हम बात कर रहे हैं तो बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी हैं जिनका प्रेगनेंसी नहीं ठहर रहा है, गर्भ नहीं ठहर रहा है, तो उनको मेडिकल का सपोर्ट लेना पड़ रहा है। अब मेडिकल का सपोर्ट वो कब ले पाएंगी, जब उस मेडिकल में अच्छी फैसिलिटीज होंगी, अच्छे डॉक्टर्स होंगे, अच्छी दवाइयाँ मिलेंगी, तब तो उस मेडिकल की सपोर्ट या मेडिकल या हॉस्पिटल की सपोर्ट ले पाएंगी, नहीं तो नहीं ले पाएंगे। तो पहली हो गई प्रॉब्लम जो होती है वो प्रेगनेंसी। दूसरी प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं हम तो डिलीवरी। डिलीवरी की हम बात कर रहे हैं, डिलीवरी का मतलब क्या होता है, प्रसव। ठीक है, डिलीवरी का जो संबंध है वो है प्रसव से। अब मान लीजिए प्रेगनेंसी हो गई लेकिन प्रसव के लिए भी अच्छी सुविधाएं, आज आप सभी देख रहे हैं कि घर पर बच्चा आसानी से पैदा नहीं हो पा रहा है, उसके लिए किसी न किसी हॉस्पिटल में जाना पड़ रहा है, चाहे वो नज़दीक का हो या दूर का हो, समस्याएं ज़्यादा क्रिटिकल हो जाने पर रेफर भी कर दिए जा रहे हैं। तो अगर मेडिकल असिस्टेंट अच्छे होंगे, फैसिलिटीज अच्छी होंगी, डॉक्टर्स अच्छे होंगे, मटेरियल सपोर्ट अच्छा होगा, तो आपका काम आसान हो जाएगा, कहीं दौड़ना नहीं पड़ेगा। उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं तो आता है एसटीडी। ठीक है, तीसरे नंबर पर क्या आएगा, एसटीडी, यानी कि हम बात कर रहे हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी कि हम बात कर रहे हैं यौन संचारित रोग। यौन संचारित रोग ये बहुत बड़ी समस्या है आज के डेट में। ये होता है अनसेफ या अनहाइजीन इंटरकोर्स के कारण, सेक्सुअल रिलेशनशिप्स के कारण ये सभी होते हैं, तो इससे भी बचने के लिए फैसिलिटीज होनी चाहिए। फिर उसके बाद अगले नंबर पर हम बात कर रहे हैं एबॉर्शन यानी कि गर्भपात की भी व्यवस्था होनी चाहिए। यानी कि गर्भपात। इसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं कंट्रासेप्शन यानी कि हम बात कर रहे हैं गर्भ निरोध, गर्भ निरोध की भी फैसिलिटीज होनी चाहिए मेडिकल पर, जैसे कॉन्डम हो गया, सहेली टैबलेट हो गया, मैलडी टैबलेट हो गया, और सारी जो डिवाइसेस होती हैं इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस जो होती हैं, जैसे कॉपर डी हो गया, मल्टीलोड 375 हो गया, कॉपर 7 हो गया, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन हो गया टैबलेट या डिवाइस हो गया, इन सभी की फैसिलिटीज होनी चाहिए अच्छी, तब तो जाकर के एक सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगा, अन्यथा ये बेकार है। तो अगले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कंट्रासेप्शन। कंट्रासेप्शन यानी कि हम बात करें गर्भ निरोध के बारे में, उसके बाद हम बात कर रहे हैं यहां पर मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, यानी कि अगर हम बात करें बहुत सारी फीमेल्स ऐसी भी हैं जो अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रॉब्लम से गुजर रही है, उनका पीरियड टाइम से नहीं आता है, या कभी लेट आएगा, या फिर कभी बहुत जल्दी जल्दी आ जाता है, फैलोपियन ट्यूब में कई सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं जिस वजह से ये नहीं हो पाता। यानी कि अगर हम बात करें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि आवर्त चक्र, उसके बाद जो आखिरी है वो है इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन। ये सभी समस्याएं हैं और इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए एक सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, सफलतापूर्वक प्रत्यारोपण होना चाहिए, उसके अंतर्गत एक इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज होनी चाहिए, बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज यानी कि एक्सपर्ट डॉक्टर्स होने चाहिए, नर्स होनी चाहिए, ठीक, उसके बाद मटेरियल सपोर्ट होना चाहिए, सामग्री की सहाय होनी चाहिए, सामान जो है आपकी दवाइयां हैं, इंजेक्शंस हैं, वो सभी आसानी से मिल जानी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो बहुत ही सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेशन हुआ, अन्यथा गड़बड़ है। तो मैं आशा करता हूँ कि इतनी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में
आ गई होगी। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में एमनियोसेंटोसिस यानी कि उल्बेधन के बारे में, क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, इन सभी को जानेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बने रहिए हमारे साथ बायोलॉजी पढ़ने के लिए।